छोटी बहन रीना को जबरदस्ती फेंटा मैगी खिला दी। मेरे साथ अन्याय हुआ है। आज मम्मी का महालक्ष्मी का व्रत था तो मम्मी कुछ कुछ बनाने के लिए दाल धो रही थी और मुझे काम मिला था मिट्टी का हाथी बनाने का। दरअसल हमारे यहाँ महालक्ष्मी दिन मिट्टी के हाथी की पूजा होती है। पूरे 30 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद तुम्हारे भाई धीरज ने मिट्टी का हाथी बना ही दिया। पता है इतना अच्छा नहीं लग रहा है। फिर ऐसे धूप में सुखाने के लिए रख दिया। दोपहर में नीरज भाई फेंटा और मैगी लेकर आते हैं क्योंकि आज उन्हें अपने चैनल पर फेंटा मैगी चैलेंज करना था। फिर नीरज भाई जल्दी से फेंटा मैगी बनाकर ले आते हैं। मुझे तो ये देखकर ही बेकार लग रही थी। ये क्या है? लेकिन रीना को हमने जबरदस्ती खिला ही दी। खैर से हमने खाया नहीं, टेस्टी किया था। फिर मम्मी अपना कुछ कुछ बनाने में लग जाती हैं और हम शाम को थोड़ा सा फिटनेस का 14 बनकर नीरज भाई की टी शर्ट लेने के लिए मार्केट आ जाते हैं और यहाँ हमको हमारी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर मिल जाती है। अब नीरज भाई अपने लिए टी शर्ट ट्राई करते हैं तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी कपड़े ट्राई करके ही देख लेता हूँ। ट्राई करने में थोड़ी ना पैसे लगते हैं। फिर मैंने पहले ब्लू कलर वाली, उसके बाद ग्रीन कलर वाली। खैर तुम्हारे धीरज भाई पर दोनों ही अच्छी लग रही थी। फिर घर पर रात को सबने कुछ कुछ खाया जो मम्मी ने कुछ कुछ बनाया था।